ऑफ कोर्स दूर से ही आवाज आ जाती है उसकी बुलेट, क्योंकि उस पर बैठा लड़का ही बड़ा स्मार्ट लगता है। तो कैसे हो आप लोग, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो मैं VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आना है और गाइस यहाँ से आपको ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर ले। उसके बाद गाइस आप अपना एक बुलेट वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी जो भी आप बना ले पहले उसे शूट कर लें। उसके बाद आपको सिंपली नीचे एरो वाले आइकन पे क्लिक करना है, ओरिजिनल में आना है और यहाँ से आपको 9:16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एक्स्ट्रा ऑडियो पे क्लिक करना है, जिससे कि वीडियो का ऑडियो बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली बीट पे, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे 4 बीट ऐड करनी है। तो फर्स्ट बीट आपको यहाँ 5.65 सेकंड में ऐड करनी है, बीट वाले आइकन पे क्लिक करके। अगली बीट आपको यहाँ पे 8.01 सेकंड में ऐड करनी है। गाइस यहाँ पे आपको टोटल 4 बीट ऐड करनी है। अगली बीट आपको 9.45 सेकंड में ऐड करनी है। अगली बीट आपको 13.45 सेकंड में ऐड करनी है। इस प्रकार आपको गाइस बीट ऐड कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको थोड़ा वीडियो लेयर को जूम कर लेना है, ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो, और फर्स्ट बीट के पास आना है और वीडियो को कट कर लेना है खींच वाले आइकन पे क्लिक करके, और वीडियो के सेकेंड पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। अब गाइस आपको वो वाला वीडियो आ जाएगा जो आपने शूट किया था, उसको जहाँ से भी ख़राब हो आगे पीछे से वहाँ पर आपको कट कर लेना है खींच वाले आइकन पर क्लिक करके और डिलीट पर क्लिक करके। तो यहाँ पे सिंपली जहाँ जहाँ बीट है वहाँ वहाँ पे मैं वीडियो को कट कर लेता हूँ, और लास्ट में भी वीडियो तक वीडियो को स्क्रॉल करके ऑडियो तक रख लेता हूँ। उसके बाद आपको ब्लैक लेयर को भी डिलीट कर देना है। उसके बाद गाइस आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है, ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका वीडियो का ऑडियो बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको पहले वाले प्लस वाले आइकन पे आना है और यहाँ पे आपको ब्लैक वाला एनिमेशन ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पे आपको एक्सपेंड वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है फट से, और राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। अगले प्लस वाले आइकन पे आना है और यहाँ पे भी आपको ब्लैक वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको अगले वाले प्लस वाले आइकन पे आना है और यहाँ पे आपको व्हाइट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। और अब आपको अगली क्लिप में आना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाइट वाला इफेक्ट ऐड करना है और राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। ध्यान रखिए गाइस, ये 4 सेकेंड की क्लिप है, उसी में आपको ये व्हाइट वाला इफेक्ट ऐड करना है। उसके बाद आपको लास्ट वाले में भी व्हाइट वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। तो गाइस हमारा वीडियो बन के हो चुका है, तो मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।